खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी, टीम इंडिया पहले नंबर पर बनी हुई है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है। आईसीसी की टेस्ट बल्लेबाजी की रैंकिंग में भी भारत का बोलबाला, पहले नंबर पर विराट कोहली और तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा है। भारत के खिलाफ दो टी20 मैचों के लिए सुनील नारायण और केरन पोलार्ड की विंडीज टीम में हुई वापसी। वेस्टइंडीज सीरीज में न चुने जाने के बाद भारत के युवा खिलाड़ी शुभमन गिल का बयान, कहा टीम में नहीं चुना जाना निराशाजनक। श्रीलंका के दिग्गज गेंदबाज लतित मलिंगा ने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, 26 जुलाई को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे अपना अंतिम मुकाबला। मलिंगा ने 225 मैचों में 335 विकेट लिए हैं। मुरलीधरन और चमंडावास के बाद मलिंगा ने वनडे में श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड ऑफ द ईयर अवार्ड देने से मना किया, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन को बताया हकदार। विश्व कप में हार के बाद मार्टिन गुप्टिल का बयान, कहा विश्व कप के फाइनल करियर का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बदतर दिन। विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अब टेस्ट टीम में दिखेंगे इंग्लैंड के ओपनर जेसन रॉय, आज लॉर्ड्स में आयरलैंड के खिलाफ करेंगे अपना डेब्यू। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में पहली बार जर्सी पर लिखे होंगे नाम और नंबर, एशिया सीरीज से होगी शुरुआत, इंग्लैंड क्रिकेट ने ट्वीट की तस्वीरें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष एहसान मनी को सौंपी आईसीसी ने बड़ी जिम्मेदारी, आईसीसी के वित्त और व्यवसायिक समिति के बने प्रमुख। जापान ओपन से ठीक पहले भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने चोट के चलते वापस लिया अपना नाम, अब सिंधु पर टिकी भारत की उम्मीदें।